भी ऐसा होता है कि आप मार्केट का बहुत सारा प्रोडक्ट लगा चुके हैं, उसके बाद भी आपके बालों में कोई भी असर नहीं है। आपके बाल ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं, बाल बहुत ज़्यादा गिरे जा रहे हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है, हेयर रूट्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। और आपको भी बहुत अच्छे बालों की चाहत है, हर किसी की चाहत होती है कि उसके बाल लंबे, मोटे, काले और घने हों, बालों की लेंथ लंबी हो। तो आप भी ये सारी चीज़ें पा सकते हैं, वो भी बिना ज़्यादा किसी खर्च के। और अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है और आपका हेयर रीग्रोथ बहुत कम हो गया है, तो जगह जगह स्प्लिटेंड्स की प्रॉब्लम आने लगी है और हेयर रूट्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, तो इस रेमेडी के यूज़ के बाद आपकी ये सारी परेशानी दूर होने वाली है, आपके बाल बहुत ही बेहतर होने वाले हैं। इसको बहुत कम इंग्रेडिएंट में बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। देखने से पहले अगर आपके बालों में किसी भी तरीके की समस्या है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गए हैं, बालों में बहुत ज़्यादा तरह की परेशानी हो गई है, उन सबको रिकवर करके आपके बालों को स्मूथ शाइनी बनाएगा, साथ ही साथ बालों में बहुत ज़्यादा पोषण देगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने फैमिली के साथ मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपकी लाइफ को फुल्ली चेंज करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के सारे ट्रिक को इस्तेमाल करके देखते हैं और आपको बता दें कि इसे कैसे और कब यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं। तो रेमेडी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर दें। तो आज की रेमेडी के लिए मैंने लिया हुआ है हिबिस्कस पाउडर, जिसको गुड़हल के फूल का पाउडर भी बोलते हैं हिंदी में, उसको 3 से 4 चम्मच लेना है। ये मार्केट में यूजली अवेलेबल होता है। अगर आपको मार्केट वाला नहीं चाहिए, आपके घर पे प्लांट है हिबिस्कस का, तो आप उसको लीजिए, सुखाइए और उसको ड्राई हो जाने के बाद, सूखे होने के बाद उसको आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस सकते हैं। सेकेंड इन्ग्रीडियंट जो है वो है रॉ मिल्क, जिसे कच्चा दूध भी कहते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों को मिला के आज की रेमेडी हम बनाने वाले हैं। रॉ मिल्क जैसे आप खा सकते हो, उसी तरीके से बालों में लगाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्या करना है, जो मैंने हिबिस्कस पाउडर लिया उसी में कच्चे दूध को उतना डालना है जितने में कि इसका एक अच्छा सा घोल तैयार हो जाए। जैसे कि आप हेयर कलर घोलते हो, पाउडर वाला लाते हो, बस उसी तरीके से इसका भी घोल तैयार कर लेना है। और याद रखिएगा, इसमें लम्स बिल्कुल ना पड़े, ये अच्छे से सेट हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हिबिस्कस पाउडर जो मैंने इसमें डाला है वो बालों के ग्रोथ को बढ़ाता है, बालों में शाइन लाता है, बालों में जो भी परेशानी होती है उसको दूर करता है, साथ ही साथ बालों में कई तरीके का प्रोटीन भी देता है। तो अब बहुत लोग होते हैं कि मार्केट में जाके, शॉप में जाके, पार्लर में जाके बालों में तरह तरह का ट्रीटमेंट लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, पॉकेट ढीली होती है। तो उससे बचने का ये बहुत बढ़िया उपाय है, कम खर्च में ही आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और इसको बनाने में कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं आ रहा है। तो बालों के लिए थोड़ा बहुत इंसान टाइम निकाल ही सकता है, थोड़ा बहुत केयर तो करना ही पड़ता है। बस हाँ ये है कि मार्केट से आप कोई चीज़ें लाते हैं तो उसको ला के लगाना आसान होता है। होम रेमेडी में क्या होता है, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर बालों को बेहतर रखना है तो इतना कोई कर ही सकता है। और बाल ही सारी खूबसूरती, अगर बाल ही ना हो सिर में तो फिर फैशन किस काम का। तो इसलिए मानसून का मौसम चल रहा है, ऐसे में बाल अच्छे हों कोशिश ऐसा रखना चाहिए। और बाल ना गिरे, मानसून में सबके बाल ज़्यादा गिरते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप कर रहे हो, रेमेडी लगा रहे हो, तो आपके बाल बहुत ही कम गिरेंगे, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ प्रमोट हो जाएगा। बाल गिरना परेशानी नहीं है, बाल गिर के बाल नहीं उगना परेशानी है। बाल सिर्फ दो तरीके से गिरते हैं, या तो बहुत ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हो इसलिए गिर रहे हैं, या फिर आप अपने बालों को सही पोषण नहीं दे रहे हैं इसलिए गिर रहे हैं। ये दो रीज़न ही होते हैं। तो इन दोनों रीज़नों को अगर आप सही कर लें तो बाल ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। साथ ही साथ सीजनल फ्रूट्स खाइए, सब्जियां खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इंटेक करिए, और सबसे बड़ी बात, टेंशन फ्री हो जाइए। जितना आप टेंशन नहीं लेंगे, बाल उतने ही ज़्यादा बेहतर होंगे। आजकल हर किसी को हर एज में ही बाल गिरने की समस्या है, 100 में से 70% लोगों को बाल गिरने की समस्या है। तो उनका मेन रीज़न यही होता है कि आज के टाइम में हर कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, इस वजह से भी बाल गिरते हैं। साथ ही साथ खान पान पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लोग फास्ट फूड पर डिपेंड हो गए हैं, हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इंटेक नहीं करते हैं। तो ये सारे रीज़न भी हैं जिसकी वजह से बाल बहुत गिरते हैं। तो बालों को बेहतर रखना है तो थोड़ा तो सही चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, साथ ही साथ बालों के लिए थोड़ा बहुत केयर भी करना पड़ेगा। तो ये सारे काम अगर आप कर रहे हैं तो आपके बाल ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। और हाँ, अगर आप और भी बाल अच्छा रखना चाहते हैं तो डेली 2 से 3 करी लीफ का पत्ता ज़रूर खाइए, उससे बाल और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। ये सब अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो आपको अपने बालों में विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इस रेमेडी को लगा के सिर्फ 30 मिनट तक रखना, उसके बाद अब किसी भी नॉर्मल वाटर से अपने बालों को वॉश कर लेना।
शैम्पू को पहले माइल्ड करिएगा, उसके बाद अपने बालों में लगाइएगा। डायरेक्ट शैम्पू को बालों में कभी नहीं लगाना चाहिए, उससे बाल ज़्यादा ही गिरते हैं, इसलिए बाल शैम्पू को पहले पानी से माइल्ड करिए फिर बालों में अप्लाई करिए। उसके बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं, बाल कितने ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, सॉफ्ट सिल्की शाइनिंग हो गया। तो रेमेडी अच्छी लगी चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।